हाय फ्रेंड्स, दीपिका की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदे, लहसुन और हरी मिर्च का अचार। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 100 ग्राम करौंदा लिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियां, 15 से 20 हरी मिर्च ली है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, आधा टीस्पून चीनी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नींबू का रस लिया है, 2 टेबलस्पून कलौंजी मसाला लिया है, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। हम करौंदे का बीस से काट के इस तरह से 2 पीस करेंगे। इसी तरह से हम सारे काट लेंगे और मिर्च के भी हम 2 पार्ट कर लेंगे। इस तरह से काट के इसी तरह से हम सारे काट लेंगे और लहसुन को हम ऐसे ही लेंगे। ये देखिए, हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हम फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ये हमने सरसों का तेल लिया है, इससे अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम तैयार सामग्री को डाल के मिक्स करके ढक देंगे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। अब खोल के हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर हम इसको 30 सेकंड के लिए ढक देंगे। देखिए, हमारा करौंदा गल गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। चीनी डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, हल्दी डालेंगे और कलौंजी मसाला। इन सब चीजों को डाल के 1 मिनट के लिए भूनेंगे। दोस्तों, हमारी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, हमारा ये करौंदे, लहसुन और हरी मिर्च का अचार तैयार है। इसको हम 8 से 10 दिन के लिए ठंडा करके फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा एंड तीखा। दोस्तों, हमें लाइक शेयर जरूर करिएगा। भून गया है, गैस बंद करते हैं।